आए दिन हम नस्लवाद की एक से एक खबरें सुनते हैं, खासकर बात जब खेल की दुनिया की आए तो क्रिकेट, फुटबॉल और बाकी खेलों में नस्लवाद की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। एक ऐसा ही मामला भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा के साथ सामने आया है। लॉकडाउन के दौरान भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने सोशल मीडिया पर लाइव पर एक बात में खुलासा किया कि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए उन्हें स्टीव बुलाया जाता था। यॉर्कशायर काउंटी के खिलाफ क्रिकेटर अजीम रफीक का कहना है कि पुजारा को एशियाई होने के कारण उन पर नस्लवादी टिप्पणी की जाती थी। यॉर्कशायर क्लब इन दिनों नस्लवाद के कारण विवादों में घिरा हुआ है। नस्लवाद के आरोपों में घिरी यॉर्कशायर काउंटी के खिलाफ क्रिकेटर अजीम रफीक के दावों का समर्थन करते हुए पूर्व कर्मचारियों ने कहा कि भारत के चेतेश्वर पुजारा को भी एशियाई होने और चमड़ी के रंग के कारण स्टीव बुलाया जाता था। वेस्टइंडीज के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी टीनो बेस्ट और पाकिस्तान के राणा नावेद उल हसन ने रफीक के आरोपों के समर्थन में सबूत भी पेश किए हैं। उन पर आरोपों की जाँच चल रही है। ESPN क्रिकेट इन्फो के अनुसार यॉर्कशायर के दो पूर्व कर्मचारी ताज बट और टोनी बाउरी ने क्लब के संस्थागत नस्लवाद के खिलाफ सबूत दिए हैं। यॉर्कशायर क्रिकेट फाउंडेशन के साथ सामुदायिक विकास अधिकारी के तौर पर काम कर चुके बट ने कहा, एशियाई समुदाय का जिक्र करते समय बार बार टैक्सी चालकों और रेस्टोरेंट में काम करने वालों का हवाला दिया जाता था। उन्होंने कहा कि एशिया मूल के हर व्यक्ति को वो स्टीव नाम से बुलाते थे। भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को भी स्टीव कहा जाता था क्योंकि वो उनके नाम का उच्चारण नहीं कर पाते थे। बट ने 6 महीने के भीतर ही इस्तीफा दे दिया था। बाउरी 1996 तक कोच के रूप में काम करते रहे और 1996 से 2011 तक यॉर्कशायर क्रिकेट बोर्ड में सांस्कृतिक विविधता अधिकारी रहे। बाद में उन्हें अश्वेत समुदाय में खेल के विकास के लिए क्रिकेट विकास प्रबंधक बना दिया गया। उन्होंने कहा कि कई युवाओं को ड्रेसिंग रूम के माहौल में सामंजस्य बिठाने में काफी दिक्कत हुई क्योंकि उन पर नस्लवादी टिप्पणियां की जाती थीं। इसका असर उनके प्रदर्शन पर भी पड़ता था और उन पर परेशानियां खड़ी करने के आरोप लगाए गए। 2 साल पहले यॉर्कशायर काउंटी छोड़ने वाले रफीक ने तो यहां तक कह दिया कि कड़वे अनुभव से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या करने की भी सोच ली थी। नस्लवाद का ये खेल खेलों की दुनिया में कब तक रहता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।